हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, सुबह के बज चुके हैं 5 और हमेशा की तरह दोस्तों मंडे टू मंडे, संडे टू संडे, हमेशा आपके लिए सुबह 1-5 बजे इंपॉर्टेंट वीडियो आता है, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। मात्र 15 मिनट के अंदर हम लोग 12 से 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कवर करते हैं। आज है 23 अगस्त दोस्तों, ठीक है गाइस। और साथ में ध्यान रखिएगा, सुबह 8 बजे और सुबह 9 बजे, ठीक है, दो स्पेशल क्लास है। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी के जो एनसीईआरटी है साइंस की, उसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है जो कि मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो स्पेशल क्लास जो अनअकैडमी की है वहां पर आप सुबह 8 बजे और 9 बजे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। 3 मंथ चैलेंज का जो दो टेस्ट है, सुपर टेस्ट, वो 11 बजे है। चलिए गाइस, साथ में जैसे कि आपको मालूम है, अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप भुवनेश 10 है जो कि यूज कर सकते हैं, 10% ऑफ, और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। मेरा दोस्तों यूपीएससी के लिए 3 सितंबर से मेरा कोर्स आ रहा है, जिसमें मैं 1.5 साल का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है जो कि आपको करवा रहा हूँ। साथ में एसएससी के अंदर आपको मालूम है दोस्तों कंप्लीट जीके जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्लस के ऊपर, ठीक है गाइस। ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट है जो कि मैं नेक्स्ट मंथ यानी कि सेप्टेम्बर में स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे साइंस है जो कि चल रहा है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे था, इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम ऑफ टेररिज्म इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, किस तारीख को दोस्तों हर साल मनाया जाता है आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। तो 21 अगस्त आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। आपको मालूम है पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं हर साल जिनकी मृत्यु हो जाती है बिकॉज ऑफ टेररिज्म, ओके, तो उन्हीं लोगों के ट्रिब्यूट के लिए, याद करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ में साझेदारी में विदेश मंत्रालय ने आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक के 6वें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया है? एशियन इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे पार्टनरशिप थाईलैंड के साथ में करी गई है, ओके गाइस। इस थाईलैंड ने इसको ऑर्गेनाइज है जो कि रिसेंटली करवाया है, और हमारे भी जो MEEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है इस 6वीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, ओके। एशियान के बारे में आपको मालूम है दोस्तों, एशियान डे जो है वो 8 अगस्त को मनाया जाता है, इंडोनेशिया में इसका सेक्रेटरेट है, ठीक है। ये सारे कंट्रीज हैं एशियान के दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने 10 कंट्रीज है एशियान के मेंबर, साउथ ईस्ट एशिया वाले कंट्री है सारे के सारे। चलिए ये देखिए, इंडिया और एशियान की पार्टनरशिप की बात करें दोस्तों, तो हमारी एक पॉलिसी है लुक ईस्ट एशिया, याद है आपको लुक ईस्ट एशिया करके हमारी एक पॉलिसी है, जिसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड है जो कि इनके साथ में करें। तो 25 ईयर देखिए डायलॉग पार्टनरशिप, 15 ईयर सबमिट लेवल के पार्टनरशिप, और 5 साल के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को जो है वो हो गए हैं। एशियान भारत का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और अप्रोक्सीमेटली 10% ओवरऑल ट्रेड है जो कि हम इन लोगों के साथ में करते हैं, 11% के आसपास एक्सपोर्ट है जो कि हम ये लोग यहाँ पे करते हैं। इस वर्ष खरीफ फसलों के अंतर्गत कुल बुआई क्षेत्र कवरेज में 8.5% से अधिक की वृद्धि हुई है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है जो कि खरीफ फसल का एग्जाम्पल नहीं है? वो आपका मस्टर्ड नहीं है दोस्तों, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं इस बार 8.5% एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया है, मतलब क्रॉप के अंदर, ठीक है, सोइंग एरिया जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब फसल भी ज्यादा ही होगी। ये देख सकते हैं रबी की बात करें तो इसको अपन सर्दियों में उगाते हैं, मस्टर्ड और वीट इसका एग्जाम्पल। खरीफ की बात करें, ज्वार, बाजरा, राइस, सोयाबीन, ये सब गर्मियों में, और जायद होता है मई जून के टाइम पे दोस्तों, इसके अंदर आपके ककड़ी, वाटरमेलन, ये सब आते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग अधिकरण ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए डैश नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, क्या नाम है दोस्तों उसका? हरित पथ, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है मोबाइल ऐप जिसका नाम हरित पथ है दोस्तों, जो कि रखा गया है, इसमें पूरी डिटेल है लोकेशन को लेकर, ग्रोथ को लेकर, हर चीज है जो कि इसके अंदर बताई गई है, ठीक है गाइस। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 1988 में इसको सेटअप किया गया था, और अभी हमारे देश के 50,000 किलोमीटर का हाईवे का प्रोजेक्ट है जो कि ये देखती है टोटल मिला के, ओके। इसरो के साथ में उन्होंने सैटेलाइट के द्वारा मैपिंग करने को लेकर भी पार्टनरशिप है जो कि रिसेंटली करी थी। निम्नलिखित में से किस संस्था ने कोविड-19 रोगियों के लिए एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई
मेडिकैप है जो कि विकसित किया है। मेडिकैप की बात करें तो ये विकसित किया गया है पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है गाइस, तो वहां पे एक इंक्यूबेटर स्टार्टअप है जिसका नाम है मॉड्यूलस हाउसिंग। उन्होंने दोस्तों ये पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट है जो कि डेवलप कर रहे हैं। मेडिकैप एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच है डिटेक्ट करने को लेकर, स्क्रीन आइडेंटिफाई करने को लेकर कोविड-19 के पेशेंट को, और सारी इसमें सुविधाएं भी अवेलेबल करवाई जाएगी। निम्नलिखित में से किसे अशोक लवासा के इस्तीफे के बाद नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है गाइस, तो देखिए आपको मालूम है पहले इलेक्शन कमिश्नर थे अशोक लवासा जी, अभी वो वीपी बन रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में, उनकी जगह राजीव कुमार है बी, इनको दोस्तों अपॉइंटमेंट है जो कि इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे दिया गया है। ठीक है गाइस, अभी टोटल दो है जो कि इलेक्शन कमिश्नर और एक है जो कि अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी है। ठीक है, पार्ट 15 के अंदर दोस्तों इलेक्शन कमीशन के बारे में बोला गया है, और ये देखिए इलेक्शन कमीशन हैड ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक और बाकी दो। आर्टिकल 324 के तहत इनको पावर है जो कि मिलती है। ओके चलिए, देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको हटाने का तरीका होता है जैसे कि जज को हटाया जाता है यानी कि इम्पीचमेंट के द्वारा, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर है इनको रिकमेंडेशन के द्वारा हटाया जाता है। किसके रिकमेंडेशन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को करे तो हटाया जा सकता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी का जो बर्थडे है यानी कि 29 अगस्त, तब ये खेल दिवस है जो कि मनाया जाता है। ठीक है गाइस, ये आप देख सकते हैं 1905 के अंदर दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी का बर्थ है जो कि हुआ था। ओके, विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से भी जाने जाते हैं, इलाहाबाद के अंदर जन्म हुआ और बहुत ही जबरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही है। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल है जो कि भारत को 28, 32 और 36 के अंदर दिलाए हैं। ठीक है, रिटायर हुआ आर्मी से 51 साल की उम्र के अंदर मेजर वाली रैंक के ऊपर, पद्म भूषण से भी इनको आवाजा नवाजा गया था। चलिए, निम्नलिखित में से किस संस्था ने प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीती है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की बात करें तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो नियर बाय 11,000 पॉइंट है जो कि इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, इंटरनेशनल कंपटीशन में ये सब जीतकर पंजाब यूनिवर्सिटी देश की प्रेस्टिजियस मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी सेकेंड ईयर है जो कि लगातार जीता है। ओके, देश में बेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए दोस्तों ये प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी है स्पोर्ट्स की, जो ये सॉरी जो अवार्ड है दोस्त ट्रॉफी है जो ये अवार्ड है ये मिलता है। ठीक है, हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरी रंजन जी का निधन हो गया, वह एक डैश थे। तो अगर मैं गोपाल स्वामी जी की बात करें दोस्तों तो ये कौन थे? क्रिकेटर थे। कस्तूरी रंजन जी दोस्तों एक क्यूरेटर थे, मतलब पिच के क्यूरेटर के तौर पे बहुत ही फेमस रहे, एडमिनिस्ट्रेटर थे बीसीसीआई के, है ना, क्यूरेटर हुआ करते थे, पिच बनाने का काम किया करते थे और साथ में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया है? ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया है एचएसबीसी बैंक के द्वारा, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के द्वारा। ग्रीन डिपॉजिट में क्या हो जाएगा दोस्तों, जो बैंक है वो फिनेंस करेगा ग्रीन इनिशिएटिव जैसे कि रेन्यूएबल एनर्जी का लोन, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, पॉल्यूशन प्रिवेंशन के लिए, सस्टेनेबल वाटर, ये सब जो चीजें हैं इनके लिए दोस्तों ये लोन अवेलेबल करवाएगा। एचएसबीसी का हेडक्वार्टर है लंदन में, न्यूल है जो कि यहाँ पे सीईओ है, बहुत ही पुराना बैंक है, 1865 में हांगकांग में इसकी शुरुआत है जो कि थॉमस के द्वारा करी गई। लक्ष्मी विलास बैंक ने हाल ही में एलवीबी डिजिगो तत्काल खाता खोलने की सुविधा शुरू करी है। लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय है दोस्तों आपके चेन्नई के अंदर, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ठीक है गाइस, सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए डिजिगो नाम का लॉन्च है जो कि किया गया है। साथ में 8 बजे वाली क्लास को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए एनसीईआरटी है जो कि साइंस की करवाने वाला हूँ, सुबह 8 बजे और 9 बजे, दो बैक टू बैक क्लास है जो कि होने वाली है, ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है, और मेरा 3 तारीख से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है तो 39,000 के आसपास का होगा। यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, ईएमआई के द्वारा भी ले सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा, प्री और मेन सबकी प्रिपरेशन हो जाएगी आपके। लक्ष्मी विलास का हेडक्वार्टर चेन्नई में, सुब्रमण्यम सुंदर जी एमडी और सीईओ है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में क्लीन प्लेट्स कैंपेन है जो कि लॉन्च किया है? क्लीन प्लेट्स कैंपेन की बात करें तो उसको चाइना के द्वारा ही दोस्तों लॉन्च है जो कि किया गया है। ओके गाइस चलिए,
हाल ही में विजयनगर जो देश के सबसे दूरस्थ और पूर्वी हिस्सों में से को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। विजयनगर निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है? विजयनगर की बात करें दोस्तों तो ये अपने अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है गाइस, बहुत ही रिमोट और ईस्ट मोस्ट पार्ट है जो कि कंट्री का माना जाता है दोस्तों। ओके, भारत BSNL के द्वारा इसको कनेक्ट किया गया है। ये देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश में ये वाला एरिया। फेस्टिवल्स की बात करें तो यहाँ पे जीरो वैली, स्यांग रिवर, लॉसर, ये सारे काफी फेमस है। इसके अलावा खादी और विलेज इंडस्ट्री ने दोस्तों यहाँ पे पहला ट्रेनिंग सेंटर भी जो है वो ओपन किया है। इसके अलावा स्पेशल क्लास देखने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, अकेडमी को डाउनलोड करको, ओपन करो और यहाँ पे सर्च करो बुनेश शर्मा। सर्च करते ही आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करते ही आपको सारे क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन की, तो अब मैंने आपको बताया दो सब्सक्रिप्शन है जो कि मेरे चल रहे हैं। SSC में कोर्स चल रहा है फाउंडेशन बैच GK का, मेरे अलावा आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GS की कंप्लीट क्लासेस मिल जाएगी मात्र 450 रुपये पर मंथ के अंदर। दूसरी तरफ मेरा UPSC में कोर्स चल रहा है, मतलब स्टार्ट होगा 3 सितंबर से। यहाँ पे मैं 1.5 साल का आपको प्री और मेंस के लिए करंट अफेयर है जो कि करवाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, स्टैटिक GK अभी मेरी यहाँ पे चल रही है SSC के अंदर, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ बाकी है। एक बार प्लस लेने के बाद आपको ना यूट्यूब क्लासेस देखने को मिलेगी, देखने की जरूरत पड़ेगी, ना स्पेशल क्लासेस देखने की जरूरत पड़ेगी। देखिए करना क्या, SSC, UPSC, NEET, IIT कोई सा भी, बुनेश टेन के द्वारा आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है, फिर 500 रुपये पर मंथ, 12 महीने का। ये SSC के केस में बता रहा हूँ, रेफरल कोड में आपको भुनेश 10 है जो कि अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही 10% ऑफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर डे है, राजीव गांधी खेल रत्न 2020 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है गाइस, तो ये था आज का आपका इम्पोर्टेंट सेशन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। वापस मिलेंगे कल। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। अभी 8 बजे वाली क्लास में मिलते हैं स्पेशल के अंदर। थैंक यू एवरीवन।